माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन खातमिन नबियीन शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन अल मुलक्कब बि ताहा व यासीन मौलाना मौला सकलैन सैयद अल कौनैन इमाम अल क़िबलतैन जद अल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من الآناء إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم वाते जल कुर्बा हक़हू सलावात पढ़ें बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिलजुल के एक और बार बावाज़े बुलंद नारे सलावात पढ़ लीजिए। आपके सामने ये हमारा तीसरा खिताब है जिसका मौजू शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा का हक यानी फदक है। दो खिताबात में हमने फदक को अलग अलग तरीक़े से आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। पहले दिन हमने आपको फिदक की तारीखी हकीकत बताई कि फिदक रसूल तक कैसे पहुंचा, रसूल के बाद शहज़ादी तक कैसे पहुंचा, शहज़ादी के बाद फिदक किस किस के पास कहां कहां कैसे कैसे रहा। दूसरे दिन हमने यानी कल की मजलिस में आपके सामने यर्ज करने की कोशिश की कि फिदक के ज़रिए से बहुत सारे हकायक साबित होते हैं। मसलन फिदक सिर्फ़ एक बाग और ज़मीन का मसला नहीं है बल्कि फिदक अहले बैत के कई हकूक़ साबित करता है और बयान करता है। फिदक के ज़रिए से यह भी साबित होता है कि रसूल की बस एक ही बेटी थी जिसका नाम फ़ातिमा था। फिदक के ज़रिए से यह भी साबित होता है कि रसूल के बाद जिन्होंने दावा खिलाफत किया है और तख्त खिलाफत पर बैठे हैं बनवान हुकूमत बनाम हुकूमत, वो असल में हक पर नहीं बल्कि शहज़ादी ने साबित किया है कि वो बातिल पर थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिदक साबित करती। आज फिदक ही के उन्वान से तीसरा मौजू, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि बउनवाने गवाह, आज हम फिदक ही के तीसरे उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। एक गवाह के उन्वान से कैसी कैसी गवाहियां पेश की गई हैं, उन गवाहियों का मेयार क्या है, उन गवाहियों की फजीलत क्या है, उन गवाहियों की बुलंदी क्या है। पहले ये समझना चाहिए कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा रसूल की बेटी हैं, मौलाए कायनात की जौजा हैं, हसनैन की माँ हैं। ये शहज़ादी का तारुफ नहीं है बल्कि कमाल है कि वह रसूल की बेटी हैं, हसनैन की माँ हैं, अली की जौजा हैं। लेकिन
मैं ये बताने के लिए आपके दरमियान नहीं आया हूं कि फातिमा रसूल की बेटी हैं, वो तो आप जानते ही हैं। हसनैन की माँ हैं, वो तो आप जानते ही हैं। अली की जौजा हैं, वो तो आप जानते ही हैं। बल्कि मैं ये बताने आया हूं कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी नहीं, सिर्फ हसनैन की माँ नहीं, सिर्फ अली की जौजा नहीं, बल्कि फातिमा दीन की जरूरत का नाम है। दीन की जरूरत को फातिमा कहते हैं। अब अगर शहजादी फातिमा का कुरानी तआरुफ समझने की कोशिश आप फरमाएं, तो शहजादी फातिमा का कुरानी तआरुफ यह है कि जो दुरूद कुरान में रसूल के लिए है, वही दुरूद कुरान में बुतूल के लिए है। इसलिए कि दुनिया भर में आज जो दुरूद पढ़ा जाता है वो सिर्फ नामे हुजूर अकरम तक खत्म नहीं होता। क्या पढ़ा जाता है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जो लोग असहाब को भी शरीक करते हैं वो भी पहले आल का तस्किरा करते हैं, फिर असहाब तक पहुंचते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। ये जो मोहम्मद के बाद आल पढ़ा जाता है, इस आल की मरकज को फातिमा कहते हैं। इसी आल की मरकज को फातिमा जहरा कहते हैं। और दुरूद सिर्फ ये नहीं बताता है कि जैसे दुरूद रसूल पर पढ़ना है वैसे ही दुरूद बुतूल पर पढ़ना है, बल्कि दुरूद ये भी बताता है कि जिस पर दुरूद पढ़ना है फिर उसको ऐसे मानना है जैसे मानने का हक है। चूंकि आगे क्या खुदा ने फरमाया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैह, ए ईमान वालो तुम भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो। वसल्लमु तस्लीमा, और उनको तस्लीम करो, उनको मानो ऐसे जैसे मानने का हक है। यानी आले रसूल को जिसकी मरकज फातिमा है, फातिमा को ऐसे मानना है जैसे मानने का हक है, रसूल को भी ऐसे मानना है जैसे मानने का हक है। अब जुमला महसूस फरमाइएगा जहां जहां भी बैठे हों। जिसको माना जाता है फिर उससे बहस नहीं की जाती, जिसको मान लिया जाता है फिर उससे बहस नहीं की जाती। बिलाल हबशी से बिलाल के मुशरिक आका ने ये पूछा, बिलाल तुमने मोहम्मद से कभी पूछा नहीं कि खुदा है तो दिखाई क्यों नहीं देता, खुदा है तो नजर क्यों नहीं आता? बिलाल ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को मानता हूं और जिसको मानते हैं उससे बहस नहीं की जाती। जिसको मानते हैं उसको इस तरीके से माना जाता है जैसे मानने का हक है। तवज्जो फरमाई आपस आपने। तो जिस तरीके से दुरूद रसूल पर है वैसे ही दुरूद आले रसूल पर है। अब एक जुमला अर्ज करूं, महसूस फरमाइएगा, अगर फातिमा ना हो तो ये आले रसूल भी ना हो। इसलिए कि रसूल की आल मरकजी किरदार में फातिमा है। अगर फातिमा हट जाए तो आले रसूल की कैफियत ना हो, आले रसूल का कोई मिज़दाक ना हो, आले रसूल का कोई उनवान ना हो, आले रसूल का कोई सहीफा ना हो, आले रसूल का कोई जिक्र ना हो। फातिमा आल की मरकज है। अब अगर जुमला पहुंचे तो महसूस फरमाइएगा, कुरान की कसम कोई जिद नहीं है, इसलिए कि कुरान ने ही बताया है कि फातिमा को मानना कैसे है, कुरान ने ही बयान किया है कि फातिमा को तस्लीम कैसे करना है, कैसे मानना है, जैसे मानने का हक है। यानी हमने रसूल पर दुरूद पढ़ा तो रसूल को ऐसे माना जैसे मानने का हक है।
इसी तरीके से हमने फातिमा पर दुरूद पढ़ा तो फातिमा को ऐसे माना जैसे मानने का हक है, और जिसको मान लिया जाता है उससे बहस नहीं की जाती, उससे गवाह नहीं मांगा जाता। नहीं तवज्जो फरमाई, हमने रसूल को माना, रसूल ने कहा कि अल्लाह है, हमने मान लिया। इसी तरीके से फातिमा ने कहा फिदक मेरा है, हमने मान लिया। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि जिसको माना जाता है फिर उससे बहस नहीं की जाती, माना ऐसे जाता है जैसे मानने का हक है, और जिसको माना जाता है उससे गवाही नहीं मांगी जाती, उससे बहस नहीं की जाती, और तारीख गवाह है इस बात के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आराबी से, एक अरब के बद्दू से ऊंट खरीदा या घोड़ा खरीदा, दोनों ही रिवायतें हैं। घोड़ा खरीदा, रसूल कीमत लेने के लिए घर की तरफ चले, उस दरमियान उस घोड़े की ज्यादा कीमत देने वाले लोग उस आराबी को मिल गए। रसूल जब पलट के आए घोड़े की कीमत लेकर तो देखा कि आराबी तो किसी और को घोड़ा बेच रहा है। रसूल ने फरमाया घोड़ा तो मैं खरीद चुका हूं। उस आराबी ने कहा तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने घोड़ा मुझसे खरीद लिया? वही हुजैफा साहबी खड़े थे, उन्होंने आगे बढ़ के फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि रसूल ने घोड़ा तुझसे खरीदा। रसूल हुजैफा की तरफ पलटे, पलट के पूछा हुजैफा तुम मामले के वक्त मौजूद थे? हुजैफा ने कहा नहीं था। कहा तुमने इसे घोड़ा बेचते हुए देखा? हुजैफा ने कहा नहीं देखा। तुमने मुझे घोड़ा खरीदते हुए देखा? हुजैफा ने कहा नहीं देखा। फिर गवाही कैसे दे रहे हो जब तुमने देखा ही नहीं? हुजैफा ने मुस्कुरा के जवाब दिया या रसूल अल्लाह देखा तो मैंने अल्लाह को भी नहीं, मगर आपने कह दिया अल्लाह है तो मैंने मान लिया। इसी तरीके से आपने कह दिया कि घोड़ा मैंने खरीदा तो मैंने मान लिया। इसका मतलब यह है कि जिसको हम मानते हैं उससे बहस नहीं की जाती, उससे गवाह नहीं मांगा जाता। भाई जिस रसूल से बगैर गवाह के कहने के सबब हमने अल्लाह को माना है, उसी रसूल ने फरमाया है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर मोहम्मद रसूल हैं तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद नबी हैं तो फातिमा नबूवत का टुकड़ा, अगर मोहम्मद सादिक हैं तो फातिमा सदाकत का टुकड़ा। जब भाई मोहम्मद की गवाही दिए बगैर अल्लाह को माना है तो तुमने कैसे ये हिम्मत हुई कि फातिमा दरबार में खड़े होकर बोल रही थी फिदक मेरा है और तुम गवाही मांग रहे थे? एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहुंचे ये बात बहुत सुकून से, एक तारीखी दस्तावेज के उन्वान से सुनते चले जाइए। बस गवाह मांगे, क्या आपके पास गवाह हैं? मैं अलग अलग हिस्से फिदक के आपके सामने बयान कर रहा हूं, आज ये गवाह का मसला हल किए लेते हैं। गवाह मांगे, बड़ी अजीम गुफ्तगु है, बहुत सुकून से इत्मीनान से पढ़ता जाऊंगा, आप लोग इत्मीनान से दिल दिमाग जहन में बिठाते जाइएगा, बस इतना ही मेरे लिए काफी। महसूस कीजिएगा जो गुफ्तगु अर्ज कर रहा हूं। गवाह मांगे, शहजादी फातिमा ने गवाह के तौर पर किसे किसे पेश किया? पहले मौलाए कायनात को पेश फरमाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को पेश फरमाया, जनाब उम्मे ऐमन को पेश फरमाया। ये तीन गवाहियां शहजादी ने पेश फरमाई। अब इसको आप अलग अलग तरीके से समात फरमाइएगा।
पहले गवाह पेश फरमाए शहजादी ने मौलाए कायनात, इन्होंने गवाही नहीं मानी मौलाए कायनात की। ठीक है, नहीं मानी, कोई मसला नहीं, मगर कभी सोचिए कि किसकी गवाही नहीं मानी, ये कौन शख्सियत थी जिसकी गवाही नहीं मानी, किन्होंने नहीं मानी? खलीफा अव्वल ने नहीं मानी। ये वही खलीफा अव्वल हैं कि जिनसे रिवायत मिलती है तारीख में, हदीसी किताबों में, कि इन्होंने फरमाया, खलीफा अव्वल जो मौला कायनात की गवाही नहीं मान रहे हैं वही रिवायत कर रहे हैं कि जब रसूल गार से निकले तो रसूल ने मुझसे फरमाया कि याद रखना मेरा और अली का हाथ अदालत में बराबर है। शायद रसूल को भी पता होगा कि यही वो शख्सियत होंगे जो अली की गवाही ठुकराएंगे, इसीलिए रसूल ने इनसे ही बताया कि मेरा और अली का हाथ अदालत में बराबर है। वाकया है, सहाबी से रिवायत है कि हम बैठे हुए थे खलीफा अव्वल के पास। मैं बार बार इन्हीं का जिक्र यूं कर रहा हूं कि इन्होंने ही गवाही मुस्तरद की है। बैठे हुए थे वहां पे, इन्होंने बयान किया और पूछा और ऐलान किया कि जिस जिस से रसूल ने अगर कोई वादा किया हो तो मुझे बताए, मैं उसका वादा पूरा कर दूंगा। एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने बताया कि रसूल ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें 3 मरतबा दोनों हाथ भर के खजूर दूंगा, 3 मरतबा दोनों हाथ भर के खजूर दूंगा। वो सहाबी नकल करते हैं कि खलीफा अव्वल ने जब उसकी ये बात सुनी कि रसूल ने फरमाया है कि मैं 3 मरतबा दोनों हाथ भर के तुझे खजूरें दूंगा, तो उन्होंने अली को बुलवाया और बुलवा के अली से कहा, अली अपने दोनों हाथ भर के इन्हें खजूरें दे दो। वादा किसका था? नबी का। पूरा किससे करा रहे हैं? अली से। यानी ये मानते हैं कि अली का हाथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे नबी का हाथ है, और नबी ने फरमाया कि अली का हाथ अदालत में मुझ जैसा है। नबी ने सिर्फ ये नहीं कहना चाहा कि अली का हाथ अदालत में मुझ जैसा है, बल्कि ये भी बताना चाहा अली की आंखें अदालत में मुझ जैसी हैं, अली की जबान अदालत में मुझ जैसी है, ताकि दुनिया को समझ में आ जाए जबान उतनी ही सच्ची है जितनी मेरी जबान सच्ची है, ताकि जब वक्त आन पड़े तो ये समझ जाओ इस सच्चे का हर वादा सच्चा है, हर दावा सच्चा है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब थोड़ा आसान को और बुलंद फरमा लीजिएगा, जिस जगह पे मैं आपको ले आया हूं आसानी से। किसकी गवाही मुस्तरद की, किसकी गवाही नहीं मानी? अली की गवाही को नहीं माना। ये अली पहली मर्तबा फिदक की गवाही नहीं दे रहे थे, बल्कि इससे पहले भी ये गवाहियां दे चुके थे। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शहद अल्लाहु अल्ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। वल मलाइकतो व उलुल इल्म कायमन बिल किस्त, मलाइका गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और इसी तरीके से वो साहिबे इल्म गवाही देता है कि जो अदालत के साथ हर काम करता है। यानी कुरान ने बताया कि उलुल इल्म से मुराद अली है, यानी अली यहां तौहीद की गवाही दे रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा अजीजो, अली किसकी गवाही दे रहे हैं? तौहीद की गवाही दे रहे हैं। फिर दूसरी जगह कुरान में बयान हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम व मद इंदहु इल्मुल किताब, ऐ रसूल इनसे कह दीजिए कि तुम्हारी रिसालत की गवाही के लिए खुदा काफी है, और वो काफी है जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म है। यहां कुल्ले किताब के इल्म से अली मुराद है, यहां पे अली दे रहे हैं रिसालत की गवाही। नहीं तवज्जो फरमाई, अली ने एक जगह दी है तौहीद की गवाही, एक जगह दी है रिसालत की गवाही,
और अल्लाह ने अली की गवाही को माना है, सोचने की बात है। यही अली दे रहे हैं फिदक की गवाही कि फिदक फातिमा का है, और तख्त हुकूमत पर बैठा हुआ हाकिम नहीं मान रहा है अली की गवाही को। इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझा। जुमला पहुंचे तो बताइएगा। इन्होंने अपने आप को अल्लाह से बड़ा समझा। भाई अल्लाह ने तौहीद की गवाही में भी अली की गवाही को माना, रिसालत की गवाही में भी अली की गवाही को माना, और इन्होंने फिदक की गवाही में अली की गवाही को नहीं माना। इसका मतलब यह है कि इन्होंने खुद को अल्लाह से बड़ा समझा। जो खुद को अल्लाह से बड़ा समझे उसने खुद को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा किया। जो खुद को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा करे वो अल्लाह का दुश्मन है। अब भी आप चुप बैठे हैं, नहीं पहुंची बात। फातिमा दरबार में अपना दुश्मन पहचानवाने नहीं आई थी, खुदा का दुश्मन पहचानवाने आई थी। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामत रहिए। किसकी गवाही पेश की? मौलाए कायनात की। अब दूसरी गवाही शहजादी ने पेश फरमाई इमाम हसन और इमाम हुसैन की। अब ये तारीखी गुफ्तगू है, समझते रहिए तो महसूस करते रहिए और दिल में जगा देते रहिए गुफ्तगू को। इमाम हसन और इमाम हुसैन की गवाही क्या कहकर नहीं मानी? कि ये आपके बेटे हैं और बेटों की गवाही मां के हक में नहीं मानी जाएगी। बेटों की गवाही मां के हक में नहीं मानी जाएगी। कुरान में और रसूल की सुन्नत में हमें कोई भी ऐसी दलील नहीं मिली कि जो ये बताए कि बेटों की गवाही मां के हक में नहीं मानी जाती। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। ये जो खलीफा अव्वल और खलीफा सानी हैं, तवज्जो रखिएगा और बात को हमेशा जहन में रखिएगा, इनकी फजीलत के बारे में जितनी भी हदीसें आई हैं सब इनकी बेटी और बेटे ही से आई हैं, और किसी ने सुनी ही नहीं दुनिया में। भाई खलीफा अव्वल की जितनी भी फजीलत की हदीसें हैं सब इनकी बेटी से रिवायत है। पढ़ जाइए सारी किताबें उठा के हदीसों की, पूरा चैलेंज है। सारी की सारी इनकी बेटी से रिवायत है कि बेटी ने बाप के लिए ये फरमाया, बेटी ने बाप के लिए ये फरमाया। और खलीफा सानी की फजीलत में जितनी रिवायत है सब अब्दुल्ला इब्ने उमर से है, इनके बेटे से। नहीं पहुंची बात? जब अपनी फजीलत का मसला हुआ तो बेटी की गवाही भी मान ली, बेटे की गवाही भी मान ली। और खलीफा अव्वल की इमामत पर जो हदीस गवाह बना के पेश की जाती है ना, कौन सी हदीस? खिलाफत की गवाह कौन सी हदीस है? किस जरिए से साबित करते हैं कि ये खलीफा है? मालूम है आपको, ये साबित करते हैं कि रसूल जब बिस्तर पर थे और आखिरी वक्त था हुजूर का और बिस्तर अलालत पे थे, मरीज थे, तो उस वक्त इन्होंने नमाज पढ़ाई थी, इन्होंने नमाज पढ़ाई थी। ये रिवायत भी इन्हीं की बेटी से है। ना किसी ने नमाज पढ़ते हुए देखा है, ना किसी ने नमाज पढ़ाते हुए देखा है। बेटी ने कहा है कि पढ़ाई, तो रावियों ने भी मान लिया, मुहद्दिसीन ने भी मान लिया, सब ने मान लिया। और विरासत की हदीस सुनाई है शहजादी ने, जब दावा विरासत पेश किया, इंशाअल्लाह मैं बाद में बयान करूंगा, अभी तो गवाही का मसला चल रहा है। शहजादी ने जब दावा विरासत पेश किया है कि मैं वारिस तो हूं अपने बाप की, तो इन्होंने जो हदीस सुनाई, हम गिरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, उस हदीस की भी गवाही बेटी ही ने दी है सिर्फ, और किसी ने सुनी ही नहीं है रसूल की जबान से। हमें 1400 साल से यही समझ में नहीं आया कि जो हदीसें किसी ने सुनी नहीं वो मुसलमान सारी मान लेता है, और जो हदीस गदीर के मैदान में 1,24,000 सहाबियों ने सुनी है उसके लिए मुसलमान दलीलें मानता है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब क्या वाकई बेटों की गवाही नहीं मानी जाती मां के हक में? दूसरा
दूसरा शोषा छुड़ा गया, पहला शोषा कि बेटे हैं इनकी गवाही मां के हक में नहीं मानी जाएगी, दूसरा शोषा छोड़ा गया कि ये बच्चे हैं इनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। हालांकि बच्चों की गवाही कुरान में मानी गई है, बच्चे कितने मोतबर होते हैं, कितने बाअजमत होते हैं, कितने साहिब फजीलत बच्चे हुए हैं, ये कुरान ने बताया है। भाई कुरान ने बताया कि जब मरियम पे वक्त पड़ा तो ईसा ने गवाही दी, गोद से गवाही दी, जनाब यहया को नबूवत और इल्म और हिकमत भी बचपन ही में दे दिया गया, जब जनाब यूसुफ पर वक्तान पड़ा तब भी बच्चे ही ने गवाही दी। नहीं तवज्जो फरमाई, किस बच्चे ने गवाही दी? जो झूले में था, जो झूले में था, जो झूले में था उसने गवाही दी और गवाही को सबने माना, मुसलमान भी मानते हैं। यही तो हमें मुसलमानों से शिकवा है कि झूले का सवार गवाही दे तो तुम मान लेते हो, दोषे नबी के सवारों ने गवाही दी तो कोई नहीं मानता। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। तो पहली गवाही में किसे पेश किया? मौलाए कायनात को। दूसरी गवाही में किसे पेश किया? इमाम हसन और इमाम हुसैन को। यह भी चलते चलते समझ लीजिए जल्दी से कि गवाहियां शहजादी क्यों पेश कर रही हैं। इसलिए कि गवाही मांगी गई है। गवाही मांगी कब गई? शहजादी ने तीन दावे पेश फरमाए। पहला दावा शहजादी ने पेश फरमाया है मिल्कियत का, मेरा कब्जा है तो मैं ही मालिक हूं। दुनिया की हर अदालत जिसका कब्जा होता है उसी को मालिक मानती है। अगर कोई मुखालिफत में दावा करे कि ये मालिक नहीं है, मालिक हम हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि गवाह दे। और शरीयत की इस्तेलाह में भी यही जुमला आया है, वशाहिद अलल मुद्दई, जो दावा करे गवाह वो पेश करेगा जिसके मुकाबले पर दावा किया जाए वो गवाह पेश नहीं कर सकता। उससे बस आप कसम खिलवा लीजिए, कसम ही काफी है, गवाह पेश करने की उसे जरूरत नहीं है। शहजादी ने दूसरा दावा पेश किया है हिबा का, पहला मिल्कियत का कब्जे की वजह से, दूसरा दावा पेश किया है हिबा का, यानी रसूल ने मुझे हिबानामा लिखकर फिदक हिबा किया है, तो ये मेरे बाबा ने मुझे हिबा किया है, ये मेरा हिबा वाला माल है जो तुम मुझसे छीन रहे हो। और तीसरा दावा पेश किया है विरासत का। हिबानामा जब पेश करने की बारी आई तो शहजादी से मांगे गए गवाह, क्या आप गवाह पेश कीजिए कि आपके बाबा ने आपको फिदक हिबा किया है। इस वक्त शहजादी ने ये गवाह पेश किए, एक अली की सूरत में, हसन हुसैन की सूरत में। अब तो मैंने बच्चों की बात बताई, लेकिन आप इस नुक्ते में एक अहम नुक्ता ना भूल जाइएगा, ये वही गवाह हैं जो रसूल रिसालत की गवाही में मैदान मुबाहला में लेकर आए हैं, और ईसाइयों ने भी इनकी गवाही को मान लिया और इनके सामने से हट गए। अब सोचिए हम क्या कहें, फातिमा के मुकाबले से हटने वाले पे लानत करें या फातिमा के मुकाबले पर डटने वाले पर लानत करें? ये तरीका बताइए, कायदा बताइए, कानून बताइए, कोई नहर बताइए। अब आइए, ये तीसरी जो गवाह है ये भी बड़ी अजीम गवाह है, जनाबे उम्मे ऐमन। अब इनकी तकलीफ सुनिएगा कि इन्होंने गवाही पेश कैसे फरमाई, तकनीक समझिएगा इनकी। शहजादी ने जब उम्मे ऐमन को गवाही की सूरत में पेश किया तो पूछा हाकिम वक्त ने कि तुम गवाही देती हो कि रसूल ने इनको फिदक हिबा किया है? जनाब उम्मे ऐमन ने उनसे ही एक टेक्निकल सवाल कर लिया कि गवाही बाद में दूंगी, पहले तुम मुझे बताओ क्या तुमने रसूल से सुना है कि उम्मे ऐमन जन्नती है?
جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے رسول سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی ہے، تو جناب ام ایمن نے فرمایا کہ یہ جنتی خاتون بتا رہی ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ آپ کا شاید دل نہیں کیا شہزادی کی ذہانت کو سلام کرنے کا، کیا کہا جناب ام ایمن نے، یہ جنتی خاتون بتا رہی ہے کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ شہزادی جو پورا قافلہ لے کر گئی ہے دربار میں، سارا جنتیوں کا قافلہ ہے، خود خاتون جنت، شوہر قسیم النار والجنت، بیٹے سردار جوانان جنت، ام ایمن جنتی عورت، نہیں پہنچی بات، شہزادی دربار ہی میں فیصلہ کیے دے رہی ہے کہ ادھر سب جنت والے، میں خاتون جنت، میرا شوہر قسیم النار والجنت، میرے بیٹے سردار جوانان جنت، ام ایمن جنتی خاتون۔ شہزادی نے بتایا محشر میں جا کے فیصلہ بعد میں ہوگا، جنتی کون جہنمی کون، میں دربار ہی میں آ کے بتا رہی ہوں، ہمیں دیکھ لو پتا چل جائے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اور انہوں نے فدق نہیں دیا، سارے کے سارے گواہ انہوں نے مسترد کر دیے، سب گواہ انہوں نے، کسی گواہ کو انہوں نے نہیں مانا، اور فدق اپنے پاس رکھ لیا۔ اب آپ کو ایک بات بتائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اخذا شبرم من الارض ظلما فیتوقہ سبعین من الارض۔ حضور نے فرمایا، حدیث ہی کافی ہے، آگے خطابت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی نقطے کی ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا جو کسی کی بھی ایک بالشت زمین پر ظلم سے قبضہ کرے، قیامت کے میدان میں اس زمین کے ساتوں طبق توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نہیں پہنچی بات، ایک بالشت کی بات ہے، صرف ایک بالشت کی۔ کیا فرمایا حضور نے کہ زمین کے ساتوں طبق اس بالشت کے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ شہزادی دربار میں صرف فدق لینے نہیں آئی تھی، بتانے آئی تھی کہ پہچان لو محشر کے میدان میں کس کے گلے میں توق ڈالا جانے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اب ایک اور بات کی طرف متوجہ کروں آپ حضرات کو، یہ جو شہزادی کے مقابلے پر آئے ہیں، عالم اسلام نے انہیں تحفہ کیا دیا ہے، انعام کیا دیا ہے، ان کو لکھ دیا ہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ کیوں راضی ہو جائے؟ جب اللہ راضی ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ لالچ کیا ہے؟ جنت میں چلے جائیں۔ لالچ کیا ہے؟ جنت میں چلے جائیں۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت میں جائے گا کون، لالچ یہ ہے کہ جنت میں چلے جائیں۔ اب ایک منظر آپ کو دکھا رہا ہوں، حضرت آدم جنت میں تھے، وہ جنت میں گئے تھوڑی تھے، رہتے ہی جنت میں تھے، یہی تو ہے نا، حضرت آدم جنت میں تھے، کہیں اور تھے، جنت میں تھے۔ انہوں نے ایک پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے بھیج دیا۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، احتیاط سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ اللہ نے انہیں جنت سے بھیج دیا، اس پھل میں کیا رکھا تھا جس کو کھانے کی وجہ سے اللہ نے آدم کو جنت سے بھیج دیا؟
उलमा ने बयान फरमाया है, आप हजरात ने भी सुना ही होगा, जब मल्ली से सुनते ही रहते हैं माशाल्लाह पूरे साल आप हजरात। उलमा ने बयान फरमाया है, तफसीरों में लिखा है, रिवायतों में लिखा है कि उस दरख्त का ताल्लुक हक्के अहले बैत से था। पहुंचे ये बात, उस शजरे तूबा का ताल्लुक अहले बैत की मिल्कियत से था, अहले बैत की प्रॉपर्टी से था। अब भी आप चुप बैठे हैं, अहले बैत की प्रॉपर्टी में से एक फल खाया, जन्नत में रहने वाले को अल्लाह ने जन्नत से भेज दिया। अहले बैत की मिल्कियत में से बस एक फल खाया, जन्नत में थे, अल्लाह ने कहा जन्नत से चले जाइए। फिर सुन लीजिए, सिर्फ एक फल अहले बैत का खाया, जन्नत से चले गए। जन्नत में रहने वाले, सोचिए वो शख्स जन्नत में जा कैसे सकता है जिसने एक फल नहीं पूरा बाग ही खा लिया हो। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहिए। एक और बात की तरफ इशारा कर दो, चले चलते कल इंशाल्लाह फिदक का चौथा हिस्सा जो उन्होंने विरासत की हदीस सुनाई है और उसके ऊपर जो शहजादी ने जिरह फरमाई है, शहजादी ने जो दलाइल पेश फरमाए हैं, उस उन्वान से इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। शहजादी नाराज गई उनसे, ये बिल्कुल भरोसेमंद मोतबर रिवायत है ना कि शहजादी उनसे नाराज गई। सिर्फ नाराज ही नहीं गई बल्कि शहजादी ने वसीयत भी फरमाई। वसीयत क्या थी कि या अली इन्हें 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 मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। यही वसीयत है, कुछ और है वसीयत? मैं सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल, इन्हें मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। भाई हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी अफराद यहां बैठे हैं, सकाफती और एक कल्चरल और एक तहजीब और एक महजब समाज क्या कहता है कि जिंदगी भर लड़िए, लेकिन अगर किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो इंसान सारी लड़ाइयां भूल के जनाजे में चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? करे आप क्यों जनाजे में आ गए, आप तो जिंदगी भर लड़ाई रहे। अरे छोड़िए लड़ाई, जिंदगी तक थी, अब तो बेचारे का इंतकाल हो गया, शिरकत करेंगे। कोई रोकता भी नहीं है, कोई आने से मना भी नहीं करता, जिंदगी खत्म, लड़ाई खत्म। लेकिन ये कौन सी नाराजगी थी जो जिंदगी भर तो रही ही, और शहजादी ऐलान करके गई कि जिंदगी के साथ नाराजगी खत्म होने वाली नहीं है, जा रही हूं, जाते जाते भी नाराज हूं, यानी कब्र के इधर भी नाराज हूं, कब्र के उधर भी नाराज हूं, और इन्हें मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। अब जनाजे की शिरकत समझिए कि किस लिए शहजादी ने फरमाया कि इन्हें मेरे जनाजे में शरीक ना होने दीजिएगा। समझ गए तो आज की सारी मेहनत सवारत हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह रब्ते मसाइर दूसरी मजलिस भी है, वहां इंशाल्लाह मुलाकात होगी। यह समझिए कि जनाजे में शिरकत से मना क्यों किया। तशीए जनाजा का जहां सवाब तहरीर है, मोमिनीन से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जब किसी मोमिन का इंतकाल हो तो जनाजे में शिरकत फरमाइए, और शिरकत में भी तशीए जनाजा अहम चीज है, अहम रुकन है कि जनाजे के पीछे पीछे चलना है। तशीए जनाजा का सवाब मालूम है क्या है? तवज्जो दीजिएगा अजीजों, सवाब सुनाऊंगा, अगर आपके जहन पहुंच गए तो बेदार रहिएगा। तशीए जनाजा का सवाब यह है कि जब मुर्दा मोमिन मर कर कब्र में पहुंचता है तो उसके कब्र में नूर होता है और हातिफ गैबी की सदा आती है, आवाज आती है कि ऐ मोमिन इंसान, हमने तेरे जनाजे के पीछे चलने वालों के तमाम गुनाह माफ कर दिए। तवज्जो ही नहीं फरमाई आपने?
हमने तेरे जनाजे में शरीक होने वाले सब लोगों को बख्श दिया, सबकी मगफिरत हो गई। यानी जो मोमिन के जनाजे में शरीक हो जाए अल्लाह उसकी मगफिरत करता है, जो मोमिन के जनाजे में शरीक हो जाए अल्लाह उसकी मगफिरत कर देता है। और सोचो कुल्ले ईमान की जोजा के जनाजे में अगर कोई शरीक हो जाए तो अल्लाह क्या करेगा, मगफिरत नहीं करेगा क्या? अब भी नहीं पहुंची बात, शहजादी ने क्यों मना किया कि या अली ख्याल रखिएगा ये मेरे जनाजे में शरीक ना हो, इसलिए कि शहजादी यही चाहती थी सारी दुनिया बख्शी जाए मगर फिदक के लुटेरों को ना बख्शा जाए। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद वाल मोहम्मद। सबकी मगफिरत हो जाए मगर फिदक के लुटेरों की मगफिरत ना हो, जिन्होंने रिसालत की सुन्नत को तबाह कर दिया, नबुवत की शरीयत को तबाह कर दिया, कुरान मजीद के फैसलों के मुकाबले में खड़े हो गए। जाहिर सी बात है जो अली हसन हुसैन फातिमा के मुकाबले में खड़ा हो वह असल में कुरान के मुकाबले पर ही खड़ा है। शहजादी नाराज गई इस दुनिया से और दरबार से रिवायत में यही लिखा हुआ है कि शहजादी रोते हुए दरबार से घर आई है, रोते हुए आई है शहजादी दरबार से घर। शहजादी रोते हुए आई हैं। मैंने पहले दिन भी अर्ज किया था कि शहजादी के साथ सिर्फ शख्सी सितम नहीं हुए हैं, शख्सी मजालिम नहीं हुए हैं, बल्कि पूरा माहौल ही जालिमाना बना दिया गया है, जिसकी दलील वो रिवायत है या अली आप उदास क्यों बैठे हैं, किस लिए उदास बैठे हैं? फातिमा कोई मुझे मदीने में सलाम भी नहीं करता, या अली आपको सलाम की क्या जरूरत? फातिमा सितम यह नहीं है कि कोई मुझे सलाम नहीं करता, सितम यह है कि मैं सलाम करता हूं तो कोई मुझे जवाब भी नहीं देता। पूरा माहौल ही जालिमाना बना दिया गया शहजादी के लिए। कितना जालिम माहौल हो चुका था सोचिए कि जिस नबी की वजह से इनको इज्जतें मिली थी उसी नबी पर रोने वाली बेटी के लिए ये लोग आके अली से बोल रहे थे अली फातिमा से कहिए तो दिन में रोया करें या रात में रोया करें। किस कदर जालिमाना माहौल तैयार किया गया था अहले बैत के खिलाफ और शहजादी के खिलाफ। ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं अभी, अभी अभी तो रसूल की वफात हुई है, अभी तो फातिमा की आगोश में बाप का सर रखा हुआ था और अभी 10 दिन के अंदर ये फातिमा दरबार में खड़ी थी। कितना सितम किया गया शहजादी के ऊपर, सराहोश में है रसूल का, रसूल का सर आगोश में है। कोई दक्कुल बाप कर रहा है, शहजादी आने से रोक दे रही है, नबी की आंख खुली, बेटी दरवाजे पर अगर कोई है का बाबा आपका सर मेरी आगोश में है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है, मैं कैसे इजाजत दे दूं? क्या मेरी बेटी इजाजत दे दे? इसलिए कि ये तो सिर्फ तेरा शरफ है कि दरवाजे पे रुका हुआ है, वरना किसी दरवाजे पर ये इजाजत नहीं मांगता, इजाजत तलब नहीं करता है। शहजादी ने इजाजत दी, बाप का सर आगोश में रखा था, अब मेरे दोनों हाथ जुड़े हैं बारगाह इस्मत माब में, दरबारे फातिमा जहरा में, बारगाह सैयदे आलमियान में। शहजादी माजरत करके बस एक जुमला अर्ज करना है, शहजादी
बाप का सर आपकी आगोश में रखा था, न बाप का सर कटा हुआ था ना आपके रुखसार खून में तर थे, लेकिन हमने एक बेटी ऐसी भी देखी है जिसकी आगोश में बाप का कटा हुआ सर रखा था। अल्लाह नवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे बतूल आले बतूल के, कोई गम न दे सिवाय गमे रसूल आले रसूल के। दरबार में खड़ी है सकीना, एक पैर उठा रही है एक पैर रख रही है, एक पैर उठा रही है एक पैर रख रही है। यजीद ने पूछा ये क्या आलम है, एक पैर उठा और एक पैर रख क्यों रही हो? कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, एक रसन है बारह गले हैं, सबके कदम उससे बड़े हैं, जब ये बुलंद होते हैं मेरा गला खिसने लगता है। सकीना के गले से रस्सी का फंदा हटाया गया, खोला गया। यजीद ने पूछा सुना है तेरा बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता था? हाँ करता था, मैं अपने बाप के सीने पर ही सोया करती थी, ये तो बाप के जाने के बाद बेकजाबा ऊंटों पे लेटी लेटी आई हूं, बैठी बैठी आई हूं। कब बाप से मुलाकात करेगी, बाप को देखेगी, कि यहां कहां मेरे बाबा? मेरे बाबा तो करबला में तीन दिन के भूखे प्यासे शिम के खंजर से जिबा कर दिए गए। अल्लाह किसी बेटी को यह मंजर ना दिखाए जो हुसैन की बेटी ने देखा है। एक तश्त आगे किया गया, तश्त के ऊपर से कपड़ा हटाया गया, खून आलू सर। अचानक सकीना चीख के बोली हाँ ये तो मेरा बाबा है। सकीना ने चाहा कि आगे बढ़ें और हुसैन का सर अपनी आगोश में ले लें कि शिमरे मलून दरमियान में आ गया। आके कहता है कि हम तो तब जाने तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता था जब तुम आवाज दो और तुम्हारे बाबा का सर खुद ब खुद तुम्हारी आगोश में चला है। सकीना जमीन पर बैठ गई, जला हुआ दामन उठा लिया। एक मर्तबा फरमाती है जनाब सकीना, बाबा दुश्मन के दरबार में बाप बेटी की मोहब्बत का इम्तिहान है, बाबा बाबा बेटी को शर्मिंदा ना होने दीजिएगा। तारीख की निगाहों ने अजब गमजदा मंजर देखा, हुसैन का कटा हुआ सर उठा, सकीना की आगोश में आ गया। सकीना ने अपने रुखसार बाप के रुखसार पे रख के फरमाया, बैन करना शुरू किए, बाबा बाबा देखिए उस सकीना की हालत जिसको आप अपने सीने पे सुलाया करते थे, बाबा आंखें खोल के देखिए। हुसैन की आंखें नहीं खुली। अच्छा बाबा आंखें खोल के बस अपनी बहन और बेटे से पूछ लीजिए मैंने करबला से शाम तक इन्हें परेशान तो नहीं किया। हुसैन की आंखें नहीं खुली। अचानक सकीना को न जाने क्या ख्याल आया, सकीना ने सर को जमीन पर रखा, सीधी खड़ी हुई, रुखसारों की तरफ इशारा करके फरमाया अच्छा बाबा आंखें खोल के बस इतना देख लीजिए कि आपकी किस्मत से मेरी किस्मत कितनी मिलती है। बाबा आपके रुखसार भी खून में रंगीन, बाबा मेरे रुखसार भी खून में रंगीन, बाबा फर्क बस इतना है आपके रुखसार शिमर के खंजर से रंगीन हुए, मेरे रुखसार शिमर के तमाचों से रंगीन हो गए। बाबा सकीना का हाल देखिए, जिसे आप सीने पे सुलाते थे वो सकीना दर दर की ठोकरे खाते हुए शाम पहुंची है। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, सयालमु लदीना ज़लमु अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बार इलाह शरीकान मजलिस की अज़ादारी को कबूल फरमा, दुनिया भर में जहाँ कहीं भी अज़ादार अज़ाए सैयदा मना रहे हैं, मुनक़िद फरमा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, बार इलाह सबको अपने दामन हिफ़्ज़-ओ-अमान में जगह इनायत फरमा, सबकी अज़ादारियों को कबूल फरमा, सबके इंतज़ामात को कबूल फरमा, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, सबकी जद्दोजहद को कबूल फरमा, सबकी इबादत और रियाजत को कबूल फरमा, इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और उन सबको इस काबिल बना के बाद ज़ुहूर हम इमाम के अंसार व आवान में शरीक हो सकें। और वो मोदी मोहल्ले